कहानी की शुरुआत होती है ब्राजील के जंगल से, जहाँ पर अलग अलग प्रजाति के खूबसूरत पंछी रहते हैं। जो लोग पंछियों की स्मगलिंग करते हैं वो लोग यहाँ से पंछियों को पकड़कर दूसरे देश में स्मगल कर देते हैं, और यहाँ से कहानी सीधा जाती है अमेरिका में। ये अमेरिका का एक शहर मूसे लेक है। जब यहाँ से पंछियों को कैद कर कहीं और ले जाया जा रहा होता है, तभी ट्रक में से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है, और इस बॉक्स में होता है एक अनाथ तोता जो उड़ भी नहीं सकता। वैसे इस नस्ल के तोते बहुत कम पाए जाते हैं। इस तोते की नस्ल को स्पिक्स मकाओ कहते हैं, और ब्लैक मार्केट में आज भी इसकी कीमत लाखों में है। खैर, ये बॉक्स एक छोटी बच्ची को मिलता है जिसका नाम होता है लिंडा गैंडरसन, और अब से इसे लिंडा ही पालेगी, और लिंडा इसका नाम रखती है ब्लू। और यहाँ से कहानी जाती है 15 साल आगे। लिंडा का अपना बुक स्टोर है। एक दिन लिंडा के स्टोर पर यह बंदा आता है, इसका नाम टूलियो है, और ये एक पक्षी विशेषज्ञ है, और ये लिंडा को बताता है कि मैं यहाँ पर ब्लू को देखने आया हूँ। तुम्हें शायद ये नहीं पता कि तुम्हारा तोता बहुत खास है और अपनी प्रजाति में अकेला न रहे, और हाल ही में हमें एक मादा मिली है, और हमें पूरी आशा है कि हम इन दोनों को साथ लेकर इनकी प्रजाति बचा सकते हैं, मगर इसके लिए ब्लू को रियो जाना होगा जो कि ब्राज़ील में है। लिंडा जाने से मना कर देती है और कहती है मैं बहुत बिजी रहती हूँ, और वैसे भी रियो को कहाँ उड़ना आता है। लिंडा टूलियो को यहाँ से बाहर निकाल देती है, मगर जाते जाते टूलियो अपना कार्ड लिंडा को दे जाता है और कहता है ये आखिरी मौका है इनकी प्रजाति बचाने का, एक बार सोचना जरूर। रात को ब्लू एक बुक पढ़ता है, फ्लाइट फंडामेंटल। ये इस बुक से ये सीख रहा है कि उड़ा कैसे जाता है। ये उड़ने की कोशिश करता है, मगर ये हाल हुआ इसका। और इसके बाद लिंडा बहुत सोच समझ कर ये डिसाइड करती है कि वो ब्लू को लेकर रियो जरूर जाएगी। ब्लू बाहर की दुनिया में जाने से बहुत डरता है, मगर लिंडा के कारण वो जाने के लिए मान जाता है। और ये पहुँचते हैं रियो, एक खूबसूरत शहर। ब्लू और लिंडा ऐसे समय पर यहाँ पर आए हैं जब यहाँ पर कार्निवल का माहौल है, यानी कि मेले का। और टूलियो रियो और लिंडा को एवेरी में लेकर आता है, यानी कि चिड़ियाघर में। और टूलियो ब्लू को मीटिंग के लिए ज्वेल के साथ अकेला छोड़ देता है, मगर ज्वेल ब्लू को कूटने लगती है। मगर टूलियो और लिंडा को लगता है ये एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, और वो ब्लू और ज्वेल को अकेला छोड़कर डिनर के लिए चले जाते हैं, और जाते वक्त इस वॉचमैन को चिड़ियाघर की रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। रात को नाइजर लाम का ये तोता वॉचमैन पर हमला कर देता है और उसको बेहोश कर देता है। वैसे इस तोते की नस्ल को सल्फर क्रेस्टेड कोकोटू कहते हैं, और ये बहुत समझदार पक्षी होते हैं। ये इसे चाबियां लेता है और किसी को अंदर बुलाता है, और जो बंदा अंदर आता है वो ब्लू और ज्वेल को एक बोरे में डालकर यहाँ से ले जाता है। जब लिंडा को ये बात पता चलती है कि ब्लू का किडनैप हो गया है, तो वो बहुत रोती है और टूलियो पर अपना सारा गुस्सा उतारती है। और जिसने ब्लू और ज्वेल को चुराया है वो यही बच्चा है, इसका नाम फर्नैंडो है, और ये एक अनाथ है। ये ब्लू और ज्वेल को इस बंदे को देने आया है, इसका नाम मार्सेल है, और ये एक स्मगलर है। इसके कहने पर ही फर्नैंडो ने तोते चुराए थे, मगर ये फर्नैंडो को उसके पूरे पैसे नहीं देता, और ये पिंजरे को चेक करने लगता है। ब्लू और ज्वेल मरने का नाटक कर रहे हैं। मार्सेल ज्वेल को बाहर निकालता है और फर्नैंडो से कहता है मैंने इसे जिंदा लाने के लिए बोला था, ना कि मरा हुआ। मौका देखकर ज्वेल मार्सेल के हाथ पे काटती है और वहां से उड़ जाती है, मगर इससे पहले कि वो वहां से भाग पाए, नाइजर उसका गला दबोच लेता है और वापस पिंजरे में डाल देता है। और फर्नैंडो उस पिंजरे को पक्षियों से भरे गोदाम में लाकर रख देता है। और जाते वक्त फर्नैंडो ब्लू और ज्वेल से माफ़ी मांगता है, क्योंकि ये सब ये पेट के लिए कर रहा है, अनाथ है ना बेचारा। और यहाँ पे मार्सेल फोन पर किसी से बात कर रहा है। ये उस बंदे से बात कर रहा है जिसको वो दोनों नीले तोते चाहिए, वो भी कल तक, नहीं तो सौदा कैंसिल। ये कहता है ठीक है, तुम्हें कल तक तोते मिल जाएंगे। मार्सेल अपने दोनों बेवकूफ़ साथियों को कहता है कि आज रात को ही सारे पक्षी यहाँ से निकालने हैं, ट्रक में पक्षियों को भरना शुरू करो। और ये कह के मार्सेल यहाँ से चला जाता है। अंदर ज्वेल पिंजरे को तोड़ने की कोशिश कर रही है, पिंजरा तो खुल जाता है और ज्वेल उड़ती भी है, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ज्वेल और ब्लू को एक जंजीर से बांधा हुआ है, और ब्लू को तोड़ना आता ही नहीं है, तो ये भागेगी कैसे। ज्वेल खिड़की के बाहर तक तो ब्लू को निकाल लेती है, मगर एक तो जंजीर का भार, ऊपर से ब्लू का भार, उड़ना तो मुमकिन नहीं है, इसलिए दोनों सीधा नीचे गिरते हैं। मार्सेल के साथ इन दोनों का पीछा करते हैं। कभी तोतों को भागते हुए देखा है? नहीं देखा तो इन्हें भागता देख लो। नाइजल भी इनके पीछे ही है, मगर इन्हें पकड़ने के चक्कर में वो सीधा बिजली के खंभे से टकरा जाता है, और वो दोनों बचकर निकल जाते हैं। ब्लू और ज्वेल रात एक जंगल में गुजारते हैं, और बेचारी लिंडा यहाँ पर ब्लू को ढूंढती फिर रही है। अगली सुबह फर्नैंडो ब्लू का मिसिंग पोस्टर देखकर लिंडा के पास आता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ आपके पंछी कहाँ पर है। लिंडा उसके साथ चली जाती है, और यहाँ पर इन दोनों बेवकूफों ने मार्सेल के गुस्से से बचने के लिए दो मुर्गों पर पेंट कर दिया, ताकि मार्सेल को लगे ये तोते हैं। देखा, परले दर्जे के बेवकूफ हैं ये दोनों। मार्सेल इन दोनों की अच्छी तरह से क्लास लेता है, और नाइजल को उन दोनों नीले तोतों को ढूंढने के लिए भेज देता है, क्योंकि आज रात तक उनको यहाँ से भेजना ही है। और यहाँ जंगल में ब्लू और ज्वेल को रफेल नाम का एक पंछी मिलता है। वैसे इस पंछी को टूको टूकैन कहते हैं। ज्वेल जंजीर तोड़ने के लिए रफेल को कहती है। रफेल कहता है मेरा एक दोस्त है लुइज, वो इस जंजीर को एक मिनट में तोड़ देगा।
मगर प्रॉब्लम यह है कि ब्लू उड़ नहीं सकता, इसलिए इन्हें पैदल ही जाना होगा। और यहाँ पर नाइजल इन चोर जानवरों के पास आता है और इन चोरों के लीडर से मिलता है जिसका नाम मोरो है। वैसे ये बंदर नहीं है, इन्हें मैरमोसेट्स कहते हैं। नाइजल चाहता है कि सब उन नीले तोतों को पकड़ने में उसका साथ दे, मगर मोरो कहता है कि इसमें हमें क्या मिलेगा। यह सुनकर नाइजल उसे उठाकर ऊपर ले जाता है और ऊपर ले जाके छोड़ देता है और कहता है बदले में तुम्हें नीचे गिरने से बचाऊंगा, तो फिर सौदा पक्का। देखा कितना होशियार है ये। और ये सबको हुक्म देता है कि चारों तरफ फैल जाओ और उन्हें आज रात तक पकड़ कर लेकर आओ। इधर राफेल ब्लू की उड़ने में मदद करता है, मगर कोई फायदा नहीं, इसकी बस की नहीं है उड़ना। ज्वेल के साथ नीचे गिर जाता है और आकर गिरता है ड्यून हैंग पर। और यहाँ से ब्लू पहली बार उड़ने का एक्सपीरियंस लेता है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि आज से पहले कभी वो हवा में उड़ा ही नहीं। पंख से ना सही वैसे ही सही उड़ने का मजा तो ले रहा है। उसके बाद ये नीचे आते हैं और आगे का सफर ये इस गाड़ी में करते हैं। ये गाड़ी एक जगह आकर रुकती है और इन्हें यहाँ पर मिलते हैं दो और पक्षी। इस लाल पक्षी का नाम है पेड्रो और इसकी नस्ल है रेड क्रेस्टेड कार्डिनल। और ये दूसरे पीले पक्षी का नाम है नीको और इसकी नस्ल है येलो कैनरी। राफेल इनसे लुइस के बारे में पूछता है और ये कहते हैं कि वो अभी अभी ट्रॉली लेकर गैरेज की तरफ गया है। पेड्रो कहता है वहाँ तक जाने के लिए कोई और गाड़ी मिल जाएगी, तब तक आओ मजे करते हैं। और ये सब अंदर बर्ड पार्टी में आते हैं। यहाँ नाच गाना हो रहा है, ब्लू और ज्वेल भी नाचते हैं, इन दोनों में प्यार होने लगा है। तभी वहाँ पर मोरो और उसके साथी आ जाते हैं और सब में लड़ाई होने लगती है और ये पांचों वहाँ से बचकर एक ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। और यहाँ पर फ्रेंडो लिंडा और टूलियो को मार्सेल के अड्डे पर लेकर आता है, मगर यहाँ पर पक्षी होंगे तब मिलेंगे ना। तभी मार्सेल के ये दोनों बेवकूफ़ चमचे यहाँ पर आ जाते हैं। लिंडा और टूलियो छुप जाते हैं। फर्नैंडो इनसे पूछता है कि पंछी कहाँ पर है और तुमने ये ड्रेस क्यों डाल रखी है। और ये बेवकूफ़ इसे अपना प्लान बता भी देता है। दरअसल ये पंछियों को कार्निवल के थ्रू, यानी कि रात को जो मेला होने वाला है, उसके द्वारा ये सब पंछियों को एयरपोर्ट तक पहुँचाएंगे। फर्नैंडो कहता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा और ये उसे अपने साथ ले भी लेते हैं। देखा इतने डफर हैं ये। और टूलियो और लिंडा डिसाइड करते हैं कि इससे पहले ये प्लेन पर चढ़े हमें इन्हें रोकना होगा। और ये दोनों निकल पड़ते हैं बाइक लेकर। और यहाँ सब ब्लू और ज्वेल को करीब लाने के लिए एक रोमांटिक माहौल बनाते हैं और गाना गाते हैं। ब्लू अपने दिल की बात ज्वेल को कहने ही वाला होता है, तभी उसके गले में एक पंखड़ी फंस जाती है और सहारा किया धरा बेकार हो जाता है। ये देखकर ये सब कहते हैं इसका कुछ नहीं हो सकता। और आखिरकार ये लुइस पहलवान के गैरेज के बाहर पहुंच गए हैं और मिलिए इससे, यही है लुइस पहलवान। हाँ हाँ, ये एक बुलडॉग है और ये इनकी जंजीर काटने के लिए कटर चलाता है, मगर इसकी लात टेबल पर गिरती है और इसका पैर फिसल जाता है, जिसके कारण ब्लू और ज्वेल का बैलेंस बिगड़ जाता है। ज्वेल ब्लू को कटर से बचाने के लिए उसे ऊपर लेकर उड़ती है। ब्लू तो बच जाता है, मगर ज्वेल ज़्यादा देर तक वजन संभाल नहीं पाती और दोनों नीचे गिरते हैं, वो भी सीधा लुइस के ऊपर। उनकी जंजीर लुइस के दांतों में फंस जाती है और उसकी लात जंजीर पर गिरती है, जिसके कारण ब्लू और ज्वेल के पंजे जंजीर से फिसल कर निकल जाते हैं। चलो जैसे भी सही है, जाते हुए ज्वेल काफ़ी खुश होती है और सबके साथ आसमान में उड़ने लगती है, मगर नीचे ब्लू उदास है। ज्वेल नीचे आती है और इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि ब्लू पालतू है और ज्वेल जंगल में आज़ाद रहती है। ना ये उड़कर ज्वेल के साथ जा सकता है और ना ही ज्वेल इसकी तरह पिंजरे में रहकर जी सकती है। इसी बात पर इनकी तूतों में हो जाती है। ज्वेल उड़कर यहाँ से चली जाती है और ब्लू अपने रास्ते निकल जाता है। पेड्रो और नीको ज्वेल को समझाने जाते हैं और पेड्रो ब्लू को समझाने चला जाता है। ज्वेल रोती हुई उड़ रही है, तभी नाइजल उसे दबोच लेता है और यहाँ से ले जाता है। पेड्रो और नीको राफेल और ब्लू के पास आते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। ब्लू कहता है मैं बचाऊंगा ज्वेल को, और ब्लू अपने दोस्तों के साथ कार्निवल की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर मार्सेल के बेवकूफ़ साथी कार्निवल में भाग लेने के लिए टूटी फूटी गाड़ी बनाकर लाए हैं जिसमें पक्षी छुपे हुए हैं। इधर लिंडा और टूलियो भी है जो कार्निवल के गेट के बाहर खड़े हैं, मगर परेड में एंट्री सिर्फ उनकी होगी जो कलाकार है, इसलिए ये दोनों ब्लू बर्ड्स का कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं। वैसे इन दोनों में भी प्यार होने लगा है। ये दोनों अंदर एंट्री करते हैं और ब्लू को ढूंढने लगते हैं, मगर ये बंदा लिंडा को कलाकार समझकर उसे जबरदस्ती स्टेज पर पहुंचा देता है। कार्निवल की परेड शुरू हो चुकी है। इस परेड में ब्लू भी आ चुका है। लिंडा ब्लू को देख लेती है और उसको आवाज़ लगाती है। ब्लू भी लिंडा को देख लेता है, मगर उसे ज्वेल को बचाना है। वो मार्सेल की गाड़ी के पीछे भागता है और लिंडा और ट्यूलियो ब्लू के पीछे भागते हैं। ब्लू आखिरकार गाड़ी के अंदर आ ही जाता है, मगर ज्वेल को छुड़वाने से पहले नाइजल उसे दबोच लेता है और पिंजरे में बंद कर देता है, और ब्लू के दोस्त भी यहीं कैद है। मार्सेल परेड से निकलकर गाड़ी को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ देता है। लिंडा उनका पीछा करने के लिए कार्निवल से गाड़ी चुरा लेती है। मार्सेल एयरपोर्ट तक पहुंच चुका है, पक्षियों को प्लेन के अंदर डाला जा रहा है। फर्नैंडो ब्लू और ज्वेल को यहाँ से निकालने की कोशिश करता है, मगर मार्सेल उसे रोक लेता है और फर्नैंडो यहाँ से भाग जाता है। तभी लिंडा और टूलियो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं।
प्लेन उड़ने के लिए निकल पड़ा है। लिंडा गाड़ी सामने लेकर आती है और प्लेन को रोकने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं, प्लेन उड़ गया। यहाँ प्लेन में ब्लू अपनी होशियारी से पिंजरे को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और ये सब पंछियों को आज़ाद करता है। ब्लू प्लेन की हैच खोलता है मगर मर्सेल को पता चल जाता है। वो अंदर आने की कोशिश करता है मगर दरवाज़ा पिंजरे लगाकर बंद किया गया है। सब पंछी उड़ जाते हैं मगर ब्लू को तो उड़ना ही नहीं आता, वो यहीं रुक जाता है। मगर इस बार ज्वेल भी उसको छोड़कर नहीं उड़ती। हाय स्वीट लव बर्ड्स है ना। तभी नाइजल ब्लू को दबोच लेता है। ज्वेल उससे लड़ती है मगर कोई फ़ायदा नहीं, वो उसे उठाकर फेंक देता है। ज्वेल के पंख पर जोर से पिंजरा लगता है और उसका पंख घायल हो जाता है। ब्लू एक बार फिर से होशियारी से काम लेता है और यहाँ पड़े फायर एक्सटिंग्विशर को यानी कि आग बुझाने के यंत्र को नाइजल के पैर से बांध देता है और उसकी पिन खींच देता है। सिलेंडर प्रेशर के साथ पीछे की तरफ जाता है और प्लेन के शीशे को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। नाइजल इससे तो बच जाता है मगर उसे संभलने का मौका नहीं मिलता। वो प्लेन के पंखे में आ जाता है और नाइजल का काम तमाम। इधर शीशा टूटने के कारण प्लेन का बैलेंस बिगड़ रहा है। प्लेन में एक ही पैराशूट है और ये दोनों तो है ही परले दर्जे के बेवकूफ़। ये आपस में डिसाइड करने लगते हैं कौन पैराशूट लेगा। इतने में मर्सेल पैराशूट को लेकर कूद जाता है और ये दोनों बेवकूफ़ मर्सेल के साथ ही कूद जाते हैं। यहाँ ब्लू और ज्वेल की जान खतरे में है। ज्वेल का पंख घायल है, वो प्लेन से फिसलती है और नीचे गिर जाती है। जो होगा देखा जाएगा। ब्लू प्लेन से कूद जाता है और सीधा ज्वेल को पकड़ लेता है और हवा में ही ये ज्वेल से अपने प्यार का इजहार करता है। ज्वेल ब्लू को किस करती है, कितने क्यूट है ना यार ये। खैर इस प्यार भरे किस के बाद ब्लू के पंखों में जान आ जाती है। प्यार में तो इंसान हवा में उड़ने लगता है मगर यहाँ तो ब्लू सच में उड़ने लगा है। तो दोनों प्यार के पंछी बच गए। और यहाँ देख लो इन दोनों बेवकूफ़ों को जो मर्सेल की टांग पर लटके पड़े हैं। ब्लू उड़ता हुआ लिंडा के पास आ जाता है, टूली और ज्वेल को ठीक करने के लिए उठा लेता है और कुछ दिनों में ज्वेल का पंख ठीक हो जाता है। ज्वेल आसमान में उड़ जाती है और ब्लू लिंडा से मिलकर ज्वेल के साथ चला जाता है। टूली और लिंडा ने फर्नांडो को अपने साथ ही रख लिया है। ये भी खुश और ब्लू और ज्वेल भी खुश और यहीं पर होती है हैप्पी एंडिंग।